कंट्रोल उदय। आज के वीडियो में कोई अच्छी बात नहीं है, सब सच है और सब कड़वा है। आप अपनी जिम्मेदारी पर देख रहे हैं। जो भी शूरवीर इस पूरे वीडियो को झेल लेंगे उन्हें एक अच्छा अनाउंसमेंट मिलेगा वीडियो के लास्ट में, बट लेट्स स्टार्ट फॉर नाउ। एक आदमी बस में सफर कर रहा था, सरकारी बस में, वोल्वो वाली नहीं थी, खटारा सरकारी बस। सरकारी बसों में कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ सामान बेचने के लिए आता रहता है। एक आदमी आवाज लगाता है, करोड़पति बनने के 100 तरीके सीखो, करोड़पति बनने के 100 तरीके सीखो। हमारा मुसाफिर गर्दन घुमाकर देखता है तो एक किताब बेचने वाला आवाज लगा रहा होता है, करोड़पति बनने के 100 तरीके सीखो, अनमोल किताब सिर्फ 10 रुपए में। मुसाफिर सोचता है कि चलो खरीद ही लेते हैं, 10 रुपए में क्या नुकसान हो जाना है, टाइम पास कर लेंगे। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि हर रोज करोड़पति बनने का सिर्फ एक तरीका पढ़ना है, उस पर अमल करना है और उसके बाद ही दूसरा पन्ना पलटना है। लेकिन हमारा हीरो बैठा हुआ है बस में, क्या करेगा, वो एक के बाद एक पन्ना पलट के पढ़ता रहता है। 99 पेज खत्म करने के बाद जब 100वें पेज पर पहुंचता है तो उसमें लिखा होता है कि ये 99 तरीके काम नहीं करेंगे, 100वां तरीका है इस किताब की 1000 फोटोकॉपी बनवा के बेच डालो। मैं भी यही कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हैं, दुनिया में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को पैसे कमाने का नुस्खा सिखाना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लोग उस बात पर भरोसा करना चाहते हैं, इसलिए चाहे जितनी गलत बात कही जाए मन कहता है कि एक बार ट्राई कर लेने में क्या चला जाता है। बस यही एक रीजन है कि बहुत सारे लोग जिनमें स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो SEO सीखने में अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं गलत जगहों पर और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जब SEO सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स ही अपने स्टूडेंट्स की नैया डुबो रहे हों तो आखिर YouTube चैनल वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद बहन। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली और दिल्ली के बहुत सारे SEO इंस्टीट्यूट्स के सिलेबस में व्हाइट हैट और ब्लैक हैट SEO लिखा हुआ है। आपको डेफिनेशन बताई जाती है कि व्हाइट हैट SEO वो है जो सर्च इंजन गाइडलाइंस के अंदर रहकर किया जाता है और ब्लैक हैट SEO वो है जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस को ना मानकर किया जाता है। कितनी सुविधाजनक परिभाषा है। इस हिसाब से हर गुंडा ब्लैक हैट पुलिस वाला है, राइट? गुंडा कानून नहीं मानता है लेकिन डंडा लेकर चल रहा है, राइट? सारे कसाई ब्लैक हेड सर्जन है क्योंकि उन्हें मेडिकल नॉलेज नहीं है लेकिन चाकू से मीट काटना आता है। इतना ही क्यों, दुनिया का हर टेम्पो वाला ब्लैक हेड पायलट है। प्लेन उड़ाना नहीं आता है तो क्या हुआ, सड़क पर तेज भगा तो सकते ही है ना। SEO ब्लैक हेड हो या ना हो, ये खुद एस हेड जरूर है। गूगल के पहले 100 एम्प्लॉयज में से एक मैट कट्स, जिन्होंने गूगल के वेब स्पैम फंक्शन को बनाया, सेफ सर्च फीचर को बनाया, उन्होंने कहा था कि या तो SEO होता है या फिर स्पैम होता है, या तो आप SEO करते हैं या फिर स्पैम करते हैं। अगर SEO सिखाने वाले ही आपको SEO की डेफिनेशन गलत सिखा रहे हैं तो बाकी क्या कहा जाए। फिर भी SEO इंस्टीट्यूट्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं, वो खुद पोल्यूटेड हो सकती है लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट को एटलीस्ट कुछ वर्ड समझ में आने लगते हैं। लेकिन जब वो स्टूडेंट YouTube पर हेल्प लेने के लिए आता है तो उसके करियर की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर SEO ब्लॉगिंग भी है, SEO डिजिटल मार्केटिंग भी है, SEO एफिलिएट मार्केटिंग भी है। 40 रुपए में XYZ डोमेन बेचने वाला आपको SEO सिखाने के लिए छटपटा रहा है। वो मासूम फोकट के डोमेन को इसलिए अच्छा समझता है क्योंकि विकिपीडिया पर उसे टॉप लेवल डोमेन कहा गया है। क्या होता है TLD, ये टॉप लेवल डोमेन? www.falanadhimaka.com में .com टॉप लेवल डोमेन है, फलाना धिमाका मिड लेवल डोमेन है और www सब डोमेन है। वैसे ही www.falana.dhimaka में .dhimaka टॉप लेवल डोमेन है, फलाना मिड लेवल डोमेन है और www सब डोमेन है। किसी भी URL के लास्ट डॉट के बाद जो भी आएगा वो TLD ही होगा, चाहे वो .com हो, .net हो, .xyz हो, .xxx हो या .masoom क्यों ना हो, सब कुछ टॉप लेवल डोमेन है यानी कि TLD है। लेकिन ये बात मासूम को नहीं पता, उसे आपको 40 रुपए में डोमेन बेचना है तो बेचना है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, ब्लॉगिंग के नाम पर CPC, CPM, ISD और STD की हजार बातें होंगी लेकिन कोई आपको इतनी सी बात नहीं बताएगा कि भाई दुनिया के किसी भी नेश में जो सबसे टॉप रैंकिंग ब्लॉग हैं वो ब्लॉगर पर नहीं बने हुए हैं। कुछ नहीं तो वर्डप्रेस पर ही ब्लॉग बना लो, 1200 रुपए से होस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर ब्लॉग अच्छा है तो होस्टिंग का खर्चा खुद निकाल लेगा और अच्छा नहीं है तो फ्री का रख के भी क्या कर लोगे। ब्लॉगिंग बहुत अच्छा मीडियम है घर बैठे इनकम करने का। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जैसे हर इंसान पायलट नहीं बन सकता है, हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर इंसान कुक नहीं बन सकता है, वैसे ही हर कोई इतना अच्छा नहीं लिख सकता है कि उसको पढ़ने के लिए लोग ब्लॉगर के बोरिंग पेज पर 17 ऐड देखेंगे। और इसके लिए SEO जीनियस बनने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ H1, H2 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है एंड डन। बट हम ब्लॉगिंग की बात क्यों कर रहे हैं, SEO है ना हमारा टॉपिक, वही SEO जिसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी सिखा सकता है, बंद कमरे में जुलाई की गर्मी में सूट पहन के बैठा हुआ बंदा भी सिखा सकता है और सबसे अच्छा जो सिखाता है वो है एफिलिएट कुमार।
इनका गजब है, ये सब मिनिमम $15,000 पर मंथ कमाते हैं। दसियों साल से धुआंधार कमाई कर रहे होते हैं, लेकिन देश दुनिया के किसी भी रईसों के किसी भी लिस्ट में कोई भी एफिलिएट मार्केटर आज तक नहीं मिला आपको। इनके चार हाथ होते हैं, एक हाथ में होता है ग्रामरली, दूसरे हाथ में होता है SEM रश का ट्रायल वर्जन, तीसरे में होता है JVZoo टाइप का कोई यंत्र, और चौथे में होता है प्रोडक्ट की चेन। क्या प्रोडक्ट है? कोई लोगो बनाने वाली स्क्रिप्ट, कोई PDF बनाने वाली स्क्रिप्ट, कहीं कोई आर्टिकल स्पिनर, कहीं कुछ, कोई कमेंट टूल होगा। यहाँ लोगों को साबुन बेचने के लिए वरुण धवन को दिन में 10 बार TV पर आना पड़ता है, और ये प्रोडक्ट बेच लेते हैं ईमेल पर। वैसे ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में $30,000 पर मंथ कमाने वाले एफिलिएट कुमार के लिंक पर क्लिक करके उनके कोर्स को खरीदते हैं, तो आपको सबसे पहले उनके 1-2 प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं बाई डिफॉल्ट, और फिर आपको पता लगता है कि आपको खाली हवा बेची गई है। लेकिन आप क्या कर लेंगे, कोई असली प्रोडक्ट तो था नहीं जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो, कंपनी नेम हो, कोई कस्टमर सर्विस हो। बहती नदी में बना हुआ रेत का पुल था, बह गया। ये स्कैम भी दुनिया के बाकी सारे स्कैम्स की तरह उसको शिकार नहीं बनाता है जो सबसे बेवकूफ़ है, बल्कि उसको शिकार बनाता है जो सबसे मजबूर है। एफिलिएट स्कैम में वो नहीं फंसेगा जो अभी भी IIT से निकला है, वो फंसेगा जो अभी 40,000 रुपये जुगाड़ करके किसी तरीके से 3 महीने में SEO कोर्स करके निकला है, और उसकी जॉब नहीं लग रही है क्योंकि इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस बाउंस कर रहे हैं। एक दिन की सर्च कंसोल की क्लास में कितना समझ में आएगा। ये स्कैम उस मजबूर को पकड़ता है। वॉरियर फोरम, JVZoo, क्लिक बैंक, ये सब दसियों साल पुरानी वेबसाइट्स हैं जिनकी असलियत अमेरिकन समझ चुके हैं, वो लोग छोड़ चुके हैं ये सब। वॉरियर फोरम पर एक टाइम में 20-25,000 लोग किसी भी टाइम ऑनलाइन होते रहते थे। अब तो freelancer.com ने खरीद लिया जाने कब, ये भी खरीदने वाली प्रोसेस भी करीब 10 साल पहले हो चुकी है। कुछ बचा नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं है, बहुत सारे लोग ये सब करके छोड़ चुके हैं, टाइम वेस्ट कर चुके हैं अपना। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में बुरी नहीं है, इन कॉन्सेप्ट ये बुरी नहीं है। दुनिया के सारे जाने माने टेक ब्लॉगर अपने वीडियोस में एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करते हैं और लोग उनको परचेज करते हैं, उनकी रीच जेन्युइन है, उनके प्रोडक्ट्स असली हैं, उनके रियली में प्रोडक्ट हैं। NDTV.com एफिलिएट मार्केटिंग को गजब यूज़ करता है। वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ट्वीट्स पर आर्टिकल बनाते हैं और फिर उनकी ड्रेस से मिलते जुलते ड्रेसेस के पिक्चर्स उसी पेज पर बाय नाउ बटन के साथ दे देते हैं। ये बाय नाउ बटन NDTV के अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जाता है, बल्कि Amazon के प्रोडक्ट पेजेस पर रीडायरेक्ट करता है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां एक जाना माना न्यूज़ चैनल अपनी वेबसाइट पर आने वाले लाखों करोड़ों के ट्रैफिक को यूज़ कर रहा है Amazon पर प्रोडक्ट्स बिकवाने में और कमीशन ले रहा है, और ये असली प्रोडक्ट्स हैं। एक जीनियस का लेटेस्ट आइडिया अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि इम्यूनिटी बूस्टर वाले आर्टिकल्स को लिख के कोई भी प्रोडक्ट बिकवा दो। अरे तू जा रही। इन्होंने जीवन में कभी भी EAT के बारे में नहीं सुना होगा। गूगल मनी और हेल्थ रिलेटेड पेजेस को स्पेशल एल्गोरिथम के जरिए रैंक करता है, स्पेशली अभी इस COVID-19 टाइम में, और उसे पता करके करना भी क्या है, उसे खुद ये सब थोड़े ना ट्राई करना है। आपको अपना $20 का कोर्स बेचना है और फिर आप करिए ये सब, ग्रामरली से आर्टिकल लिखो। वैसे ऐसा नहीं है कि SEO से रिलेटेड फेक कंटेंट को पहचानना बड़ा मुश्किल है, बहुत सिंपल तरीका है। जब भी कोई अपना वीडियो, आर्टिकल, लैंडिंग पेज, वीडियो का टाइटल इनकम प्रूफ के साथ शुरू करे ना, तो समझ जाओ कि फेक है। अगर कोई 1.5 मील का लैंडिंग पेज बनाकर बैठा है तो समझ जाओ कि फेक है। अगर वो अपनी किसी भी बात के साथ गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी गाइडलाइन का लिंक नहीं दे सकता है, समझ जाओ कि फेक है। गूगल और इवन बाकी सारे सर्च इंजन भी मुझसे, आपसे या किसी भी SEO एक्सपर्ट से ज्यादा टैलेंट यूज करते हैं। उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और वो सारे रिसोर्सेज का एक ही यूज करते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने वालों को रोकना, उनकी पहचान करना और उन्हें पकड़ना, उन्हें रोकना। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सर्च इंजन्स को ऑलरेडी पता है और उसे या तो ब्लॉक कर चुके हैं या फिर वो कभी असर करती ही नहीं थी। आप उल्टी सीधी साइट पर बैकलिंक्स बना लेते हैं, वो बेकार है। आप सोशल बुकमार्किंग करते हैं, वो भी काम नहीं करती, कभी काम करती ही नहीं थी। प्रोफाइल से बैकलिंक्स बना रहे हैं, वो गूगल जाने कब ब्लॉक कर चुका है। डिफरेंट सिटी के नाम पर सेम कंटेंट को 200 पेज में डाल रखा है आपने, गुड, गूगल तो क्या, बिंग पर भी वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाएगी। आप जिस भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे सर्च इंजन्स या तो ब्लॉक कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगर आपको SEO सीखना है, अगर आपको SEO में कैरियर बनाना है, रियली में सीखना है, तो सबसे पहले गूगल की और बिंग की वेबमास्टर गाइडलाइंस को पढ़िए, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, गूगल माई बिजनेस और जितने भी टूल्स हैं उनकी पॉलिसीज पढ़िए, उनके हेल्प सेक्शंस को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। एक ट्विटर अकाउंट बनाइए और इन सारे लोगों को फॉलो कर लीजिए। किसी के पास कोई राम
रामबाण नहीं है जो वेबसाइट को रातों रात रैंक कर देगा। गूगल हर निश को, हर इंडस्ट्री को अलग तरीके से रैंक करता है। गूगल के पास सिर्फ एक पेज रैंक एल्गोरिदम नहीं है जो हर इंडस्ट्री को एक तरह से एनालाइज करती है, बल्कि सैकड़ों एल्गोरिदम्स हैं और कई बार एक इंडस्ट्री पर एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स काम कर रही होती हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो हर इंडस्ट्री पर सेम तरीके से काम करेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के लिए चलते हैं। एक अच्छी यूजफुल वेबसाइट, इंटरेस्टिंग कंटेंट, ट्रैफिक का सही एनालिसिस। एसईओ का काम वेबसाइट को रैंक कराना नहीं होता है, जो भी ये कहते हैं वो अभी तक एसईओ का एस भी नहीं जानते हैं। एसईओ का काम वेबसाइट और सर्च इंजन्स के बीच की दूरी कम करना होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, नंबर एक वेबसाइट को सर्च इंजन्स के लिए आसान बनाना, नंबर दो वेबसाइट के कंटेंट को सर्च इंजन के लिए आसान बनाना, नंबर तीन सर्च इंजन वेबसाइट से क्या चाहते हैं ये पता करना। ये फील्ड उनके लिए नहीं है जो लास्ट ऑप्शन के तौर पर इसमें आना चाहते हैं, आने के लिए मजबूर हैं। अगर आप में एनालिटिकल कैपेसिटी है, अगर आपको मार्केटिंग अच्छी लगती है, अगर आपको कोडिंग और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, अगर आपको यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट है, तो बेशक आइए। इट्स अ वेरी गुड फील्ड, ये सेफ है, साउंड है, क्लाइंट्स की कमी नहीं है, एक्साइटिंग है, पैसे भी हैं, लेकिन ये हर किसी के बस का नहीं है बाकी किसी भी और फील्ड की तरह। एंड अभी प्लीज़ को ये मत कमेंट में बोलना कि मैंने ब्लॉगर्स को डिस्करेज कर दिया या फिर एफिलिएट मार्केटर्स को डिस्करेज कर दिया। मैं मोटिवेशन स्पीकर कम एसईओ नहीं हूं, मैं सिर्फ एसईओ हूं। मेरा काम मोटिवेट या डीमोटिवेट करना नहीं है, मैं आपको फैक्ट दे सकता हूं उसके ऊपर क्या करना है ये आपके ऊपर है। इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गलतियां आपकी अपनी हों। दूसरों की गलतियों से भी सीखिए और एसईओ रिलेटेड कंटेंट देखिए, पढ़िए, सुनिए। एसईओ के नाम पर कचरा नहीं सुनिए, वरना रिजल्ट में भी वही आएगा। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर चैनल्स हैं, कुछ नॉन पॉपुलर चैनल्स हैं, लेकिन अच्छे हैं। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लंबा जाएंगे इस फील्ड में। अगले वीक से हम एक और मंथली सीरीज ला रहे हैं जिसमें एक वीडियो में किसी एक टॉपिक के ऊपर इतने डिटेल से बात होगी कि आपको दूसरे किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सक्लूसिव कंटेंट विद इवन मोर ब्लंट एटीट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।